नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद्र के द्वारा रचित उपन्यास गोदान के कथा सार का मैं वाचन करूंगी। गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह प्रेमचंद्र का बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। इसमें दो परिवेशों का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण प्रेमचंद्र जी ने किया है। प्रथम है ग्रामीण परिवेश और दूसरा है शहरी परिवेश। तो शुरू होता है यहाँ से कि धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। धनिया और होरी पति पत्नी है जो इस उपन्यास के नायक और नायिका कह सकते हैं। तो राय साहब के यहाँ होरी बेलारी से सिमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है कि यह इसी मिलते जुलते रहने का फायदा है कि अब तक जान बची हुई है। वह समझता है कि इसके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है। राय साहब के पांव के तले अपनी गर्दन दबी हुई है, होरी अपनी पत्नी धनिया से कहता है। इसीलिए इन पांव के सहलाने से ही कुशलता है। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिल जाता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में एक गाय पालने की लालसा उत्पन्न होती है। वह विदुर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच देता है। भोला उसे 80 रुपये की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है और अपने पास भूसे की कमी की बात करता है। होरी अभाव में बड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित न मानकर फिर ले लूँगा कहकर गाय लेने से मना कर देता है, पर भूसा देने का वायदा कर सिमरी में पहुंचता है। राय साहब अपनी सुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उनकी सहायता करे। होरी उनकी बातों में आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने को के कहकर उठ के चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ करता है तो बेटा गोबर उन्हें रंगा सियार कहकर उनसे अपनी नफरत जाहिर करता है। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बिगड़ पड़ते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने जाता है। धनिया 3 खोचे भूसा भरकर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है, उसे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। झुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वादा करके लौट जाती है। गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ जाती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नाद गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं। केवल अलगे ओझा हो गए हैं, उनके भाई हीरा और शोभा नहीं आते हैं। इससे होरी को बड़ा दुख होता है। वह जब हीरा को बुलाने जाता है तो सुनता है कि हीरा शोभा के सामने होरी की निंदा कर रहा था। होरी धनिया को यह बताता है। धनिया यह सुनकर उससे झगड़ती है। सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है।
उत्सव के लिए होरी को 5 रुपए नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग हैं। शहर के मेहता है बिजली पत्र के संपादक पंडित ओकारनाथ, वकील तथा दलाल तंखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना, उनकी धर्म पत्नी कामिनी, डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद। वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के अंतर के प्रति व्यंग करते हैं। भोजन के समय मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओकारनाथ अलग से फलाहार करना चाहते हैं, पर मिस मालती अपनी बातों से ओकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और वायदे के मुताबिक 1,000 रुपये इनाम लेती है। उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए न मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के भेष में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। 3 टोलियां बनती है। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर तक ले जाकर मधुर व्यवहार से कुशल कर देती है। इससे मालती ईर्ष्या करती है तो वह मेहता की नज़र में गिर जाती है। दूसरी टोली के राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेर में के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेर खरीदने की बात टाल देते हैं। तीसरी टोली में तंखा और मिर्जा है। मिर्जा एक हिरण का शिकार करते हैं। हिरण को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं। खा पीकर खुशी से सारा दिन वहां बिताकर शाम को लौट आते हैं। होरी के घर पर गाय आ जाने से वह खुश थे। इतने में राय साहब का करिंदा कहता है कि नोखेराम बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगुर सिंह के पास पहुंचता है। झिंगुर सिंह की आंखें गाय पर थी। उसने गाय ले लेने का चक्कर चलाया और कर्ज न लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण होरी गाय को घर से बाहर लाकर बांधता है और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। उसी रात को विष दिए जाने से गाय मर जाती है तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देता है। धनिया हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सबको छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। जांच पड़ताल करके दरोगा गांव में आता है। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्म लगाते हैं। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने के लिए होरी झिंगुर सिंह से कर्ज लेकर रिश्वत में पैसा देता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा को मिल नहीं पाता। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। गोहत्या करके पाप के डर से हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का खेत संभालता है। बीच में 1 महीने तक बीमार भी पड़ जाती है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहाँ पहुँच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया घर में आ गई है। होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो करता है, बाद में धनिया को समझाने पर उसे अपने घर में रहने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर
100 रुपये नकद और 30 मन अनाज का डांट लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत फुफकारती है, पर होरी झिंगुर सिंह के पास मकान रखकर 80 रुपये लाता है और डांट चुकाता है। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लाज के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। वह मिर्जा खुर्शीद के यहाँ महीने के 15 रुपये वेतन पर नौकरी करता है। उसकी 2 कोठरी में वह रहता है उसकी दी हुई कोठरी में वह रहता है और डांट के सारा अनाज दे देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता है। इसी समय पुनिया उसकी सहायता करती है और वर्षा के अभाव में उसकी एक सूख जाती है। भोला गाय के रुपए लेना चाहता है, होरी रुपए दे नहीं पाता। भोला होरी के बैल खोलकर ले जाता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग दया क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मिस्टर खन्ना मिसेज खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते। यह सुनकर मालती बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को पता चलता है कि होरी से वसूल किए गए डांड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए। वे नुखेराम से रुपए देने को कहते हैं तो चारों महाजन बिजली के संपादक उकारनाथ को सूचना दे देते हैं कि राय साहब आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओकारनाथ राय साहब को बताते हैं कि वे अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह इसे छापने से रोक लेते हैं। जब गांव में बुआई शुरू हो जाती है तो होरी के पास बैल नहीं होता है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दतादिन होरी से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाते हैं। इधर दतादिन का बेटा मतादिन झुनिया को प्रेम फांस में फंसाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना के पहुंच जाने से मामला गड़बड़ होने से बच जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक से मिलकर महाजन का सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेते हैं। मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पताल का अंतर है। गोविंदी सदा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलास समय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध में गोविंदी पार्क में चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा करके उसे समझा बुझाकर घर लौटा लाते हैं। होरी दता दिन की मजदूरी करने लगता है और ऊख काटते समय कड़ी मेहनत करने के कारण वह बेहोश हो जाता है। इधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। वह सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी इज्जत करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देते हैं। वह भोला को मना कर उसे अपने बैल ले आता है। दता दिन को 30 रुपये उधार के लिए 70 रुपये देना पड़ता है। नोखेराम को लगान वसूल करके रसीद न देने पर उसे अदालत की धमकी देता है। झुनिया को फुसला कर शहर जाते समय गांव से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर
बिल्कुल उदंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी, राय साहब के साथ चुनाव लड़ना था, पैसों की कमी थी, इसीलिए वे तंखा के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वे मना करते हैं कि वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुंचते हैं। खन्ना कुछ देने से मना करते हैं। गोविंदी को भी व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5,000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना से 1,000 का चेक लिखवा कर लेती है। मता दिन की रखेल सिलिया अनाज के ढेर में कोई शेर अनाज दुलारी सहवाइन को दे देती है तो मतादिन उससे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सिलिया दुखी होती है। सिलिया के बाप हरखू के कहने पर उनके साथी मतादिन के मुंह पर हड्डी डालकर उससे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। 16-17 साल की हो गई थी, उसके विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बेचने के लिए दहेज लेना नहीं चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है। नोखेराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नोहरी गांव की रानी की जाती है और लालसा पटेश्वर साहूकार मंगरू शाह को भड़का कर होरी की सारी ईख नीलाम कर देता है। इससे उगाही की जमीन उम्मीद न होने से दुलारी होरी की शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इतने में सहानुभूति दिखाकर नोहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहां वह खोचा लगाता था वहां दूसरा बैठने लगा। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। जूनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। जूनिया गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है। जूनिया को पीटता है, गालियां देता है। चूहिया की सहायता से जूनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। मिल गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। मतादिन नोहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वह सिलिया के लिए छोटी को 2 रुपये देता है। रुपये पाकर सिलिया खुश होती है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है। मथुरा नोहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं तो सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत फटकारती है। इधर मिल में आग लग गई थी। मिल में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर के लिए जाते खन्ना गोविंदी का मनमुटाव हो जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं और सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, पर रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण उच्च वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है। कुर्की भी आई है।
पर मालती मेहता को अपने घर पर ले जाती है और उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली रख लेती है, उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। मतादीन सिलिया के बालक को प्यार करता है, वह निमोनिया से मर जाता है। मतादीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है, सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ वह रहने लगता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती चली जाती है। 3 साल तक लगातार न चुकाने से नोखेराम बेदखली का दावा करता है। मतादीन होरी को सुझाव देता है कि अधेर राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपए ले ले और खेती करे। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव में पहुंचता है। रूपा की शादी होती है, मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता के गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मायके जाते समय वह एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसीलिए वह कंकर खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है और एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकर खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है और उसकी कई होने लगती है, उसे लू लग जाती है। धनिया भाग कर आती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और होरी सब मिलकर घर होरी को लेकर आते हैं। होरी की जवान बंद हो गई है। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार हो जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है, दूसरे दिन भी यही लोग कहते हैं। धनिया सूतली बेचकर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दीन से बोलती है, महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही इनका गोदान है। गोदान में प्रेमचंद्र का आदर्शवादी दृष्टिकोण आकर यथार्थवादी बन गया है। दमन और उत्पीड़न के युद्ध में शोषण का चक्र जैसे राष्ट्रीय विकास में बाधा पहुंचाता है, उसे किसान की दयनीय स्थिति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।